जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के आज मुख्य अध्यक्ष हैं बिहार के, श्री तेजस्वी यादव जी, एक्स डिप्टी सीएम बिहार, जो माननीय हैं, वो 7 तारीख को 12 बजे बगहा में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है और बगहा में जो हाई स्कूल है उसके बगल में हमारा जो नरईपुर हाई स्कूल का फील्ड जो है उसके अंदर ही हम लोगों का आज 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। लालटेन आरजेडी आरजेडी की जो पार्टी है आरजेडी आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य उस महारैली का ये है कि सब जितने भी आज यूथ हैं, बहुत सारे अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी से पहले एसोसिएट नहीं होते थे, हजारों की तादाद में उस दिन लोग आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम भी साथ ही में अपने सारे कार्यकर्ताओं के, नए कार्यकर्ताओं के रूप में आरजेडी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है उनके आने से सारे जो एग्जिस्टिंग, जो अभी वर्तमान में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बल मिलेगा और उन लोगों को भी जो पार्टी को मजबूत करने को मिलेगा। और उसी में सारी बातें होंगी, वो अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो बताएंगे और जिस तरीके के हालात, जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड अपनी बातें कहेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से मैं भी एक नया सदस्य बनूंगा राजद का और अपना मार्गदर्शन सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं, सब समर्थकों को देंगे। और ये नया आरजेडी 2.0 क्या है वो बताएंगे। रिपोर्ट बीजेपी से पूरी तरह आप अपने आप को अलग कर लिए हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी जो है उसमें हम 5 साल काम किए एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला उस पार्टी से और बहुत सारा उन्होंने हमें पॉलिटिकली ग्रूम किया। मगर किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हताश रहा और इस वजह से मुझे ये कदम लेना पड़ रहा है कि मेरे को राजद छोड़ के, राजद नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद को ज्वाइन करना पड़ रहा है। और अपने से अलग लगभग लगभग कर चुके हैं मगर हमने भाजपा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे हमने फोन करके भी अपना बता दिया है निर्णय, और उनको जानकारी पिछले एक हफ्ते से है। मगर लिखित में वो किसी कारणवश बाहर जाना उनको व्यतीत पड़ा था, मुझे लगता है कल तक वो आ जाएंगे और हमारा इस्तीफा रिसीव कर लेंगे। मगर ये एक अलग बात है, मेन है भविष्य के बारे में। देखें, भविष्य ये है कि हमने राजद जो ज्वाइन करी है तो तेजस्वी यादव जी से ये वादा करके करी है कि हम राजद को लेटेस्ट जो वर्जन होता है, जैसे आप देखते हो कि नया मॉडल आया फोन का, नया मॉडल आया गाड़ी का, ऐसे नई राजद, नया मॉडल, नए भविष्य के नौजवान की और महत्वाकांक्षाओं की राजद को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने हमसे कुछ अपना विजन डिस्कस किया, हमने भी अपना विजन डिस्कस किया और वो सबके सामने रखेंगे कि हम किस तरीके की, नए तरीके की राजद को हम लाना चाहते हैं बिहार में। और जो आजकल के यूथ और आजकल के जितना भी नौजवान है और हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस स्तंभ पे खड़ा किया, आज के नए जमाने के हिसाब से कैसे वो इवॉल्व होगी, कैसे नई तरीके से चलेगी, और सारी महत्वाकांक्षाओं को लोगों की जो पॉलिटिकली हैं कि भाई एक सरकार से, एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से, नया जो बिहार एक यंगेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की, उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी कर पाएंगे हम लोग, क्या हमारा प्लान है, क्या विजन है, ये वो वहां पे बताएंगे। वाल्मीकि नगर से आप महागठबंधन के उम्मीदवार बन रहे हैं और
35 सालों से एनडीए का यहाँ कब्जा रहा है, तो इस किला को आप कैसे बेच पाइएगा? देखिए ये बात और इसमें ऐड कर दूं कि अंत में उस महारैली के तेजस्वी जी हमको पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे, और हो सकता है जिस तरीके से हमारी बात हुई है 2024 में हम शायद 2024 लोकसभा के राजद से उम्मीदवार भी हों इंडिया गठबंधन से, और उसको कैसे भेदेंगे हम कैसे नहीं भेदेंगे ये तो 4 जून बताएगा सारी अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बताए, ठीक है ना। जब कोई काम करना है तो कोई स्ट्रेटेजी भी ओपन नहीं करनी चाहिए, मगर ये बात तय है कि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं और लोग जो चंपारण के हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा के हैं उनको एक अच्छा विकल्प दें, और ऐसा विकल्प दें जो उनको सपनों का विकल्प हो। एनडीए का दावा है कि 400 सीटें पार होंगी और 4 लाख से ज्यादा वोटों से वाल्मीकि नगर सीट फतह होगी, कैसे देखते हैं इसको? एनडीए का दावा है 400 सीट पार करें, उनको उनको पूछिए, मुझे कैसे पता, अब तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ लगभग, मानसिक तौर पे मैं वहां से हट चुका हूँ, और अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं है। बाकी तो 4 जून मनाएगा कि कितना पार कौन करता है, मगर मेरी शुभकामनाएं उनको, हम लोग अपना काम अच्छा करेंगे।